हमारे देश में ज्ञान के नाम पे सिर्फ बकचोदियां फैलाई जा रही हैं, वो भी ऐसी ऐसी बकचोदियां जिसे देखने के बाद आप भी कहोगे चुप कर बे कुत्ते। ये मोहतरमा भोपाल से भाजपा की सांसद हैं और ये क्या कह रही हैं सुनो। आप देखिए, एक बात आपको बताती हूँ कि गौ माता है, आप ऐसे हाथ घुमाएंगे तो इनको सुख मिलेगा, लेकिन ऐसे हाथ घुमाएंगे तो इनको तकलीफ होगी। अरे कहना क्या चाहते हो? ठीक है, लेकिन ये तकलीफ ये सहन करती हैं, और जैसे ही अपन यहाँ से इनको ऐसे हाथ प्रतिदिन अगर घुमाते हैं तो बीपी हमारा कंट्रोल हो जाता है। असंभव, असंभव। के ऊपर ऐसे ऐसा हाथ घुमाते, उल्टे क्रम में हाथ घुमाते हैं तो हमारा बीपी ठीक होता है। ये अमृत है, ये साइंटिफिक है। साइंटिफिक है कि गाय पे ऐसे हाथ करने से बिल्कुल उल्टी तरफ ऐसे हाथ घुमाएंगे तो बीपी अपना ठीक हो जाता है। और अभी तो रुको, क्लाइमेक्स अभी बाकी है। और गौशाला में सबसे अच्छी साधना होती है तपस्या होती है, गलत कह रही हूँ क्या? गौमूत्र जो है, मैं कैंसर की पेशेंट, मैंने गौमूत्र से और पंचगव्य से बनी औषधियों से अपने को ठीक किया, अपना कैंसर ठीक किया है। मैं पागल हूँ। इस वीडियो को देखने के बाद मुझे ये लग रहा है कि अब डॉक्टरों को भी हॉस्पिटल बंद कर देना चाहिए और इसी तरीके की बकचोदी स्टार्ट कर देनी चाहिए। बात तो सही है। वैसे मेरी नजर में एक डॉक्टर है जो ऑलरेडी डॉक्टरी छोड़ करके इसी तरीके की बकचोदी कर रहा है। मैंने MBBS किया, मैंने MS किया, मैंने MRCS किया लंदन से, उसके बाद मैंने UPSC क्वालिफाई की, 19th रैंक थी मेरी ऑल इंडिया में। मैं कब हो गया ये? कब हुआ, कब? वैसे तो ये किसी एंगल से डॉक्टर लगता नहीं है, लेकिन कह रहा है तो मान लेते हैं। क्या साबित करना चाहता है तू? अभी पता चले। अब इन्होंने साइंस के नाम पे क्या कुछ बकचोदी हगा है वो भी देख लो। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि एक गाय का गोबर जो होता है वो कोहिनूर हीरे से भी ज्यादा महंगा होता है। सुप्रीम कोर्ट का वाणी है। अब आपकी बात को समझने के लिए अलग से बैठना पड़ेगा एक दिन। ये जो आपने सुप्रीम कोर्ट की वाणी सुना। अरे खतरनाक लड़ो। अगर गोबर इतना ही महंगा है भाई, तो संबित पात्रा को चाहिए कि राजनीति छोड़ के आज से गोबर बेचना शुरू कर दे। वैसे ये कितना पानी में ये तो आपने देख लिया, क्या अब भी ये इंसान आपको पढ़ा लिखा समझ में आता है? कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है, समरिया। वैसे तो झूठ बोलना और गंदगी फैलाना इनका काम है, लेकिन इन लोगों ने मिल करके जो बाबा सिर फैलाया है अंधभक्तों पे, उसका क्या असर पड़ा है ये भी देख लो। तो आप लोग दूध नहीं मूत्र का सेवन करते हो? करते हैं सेवन, करना चाहिए, रोग भी हटते हैं। ये रियल में सही है, ये सत्य है। आप कहाँ के ज्ञानी बाबा? यही नहीं, अभी और सुनिए। लगता है कि मतलब गौमूत्र के सेवन से सारी बीमारियां दूर हो जाएगी? हाँ बिल्कुल हो जाएंगी। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। हॉस्पिटल में गौमूत्र की सप्लाई शुरू करवा दे। नहीं, गौमूत्र अगर पकड़ो हॉस्पिटल बंद हो जाएगा। कुछ भी, कुछ भी। अब वीडियो के आखिर में हम बस इतना कहना चाहते हैं कि मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा कि आप गाय का मूत्र का सेवन करें। एकदम ध्यान दे लीजिए, बिल्कुल सेवन मत कीजिएगा, बीमारी होती है। ये बड़ी अच्छी बात कही है। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल पॉलिटिकल फैक्ट सेंटर को सपोर्ट करना, ताकि हम अगली वीडियो जल्द लेकर आ सकें।